हेलो दोस्तों, स्वाद विद दीपिका में आपका स्वागत है। ना दाल को मैंने चढ़ाया था 15 से 20 मिनट, छोड़ दिया था। दाल हो चुकी है और सब्जी बनाई है जिसमें आलू सबसे पहले गोभी को फ्राई किया और उसे हो जाएगी ना, तब इसमें हाफ टी स्पून जीरा और एक मिर्च लाल मिर्च डालेंगे और इसके बाद इसमें जाएगा प्याज, 2 से 3 प्याज है कटिंग करके डाल देंगे। और इसको हल्का लाल हो जाने के बाद इसमें डालेंगे लहसुन, लहसुन और जब ये गरम हो जाए ना तो इसमें डालेंगे हम कसूरी मेथी। थोड़ी इस कसूरी मेथी को हाथ से बुरक के डाल दें और ये थोड़ा सा गरम हो जाए तो इसमें मसाले डालें जिसमें धनिया पाउडर है, मिर्च पाउडर है और हल्दी पाउडर है। इन सबको अपने जो जितना भी आपको सब्जी बनानी है उस सब्जी के अनुसार मसाले डालें। तो मैंने 2 से 3 चम्मच धनिया पाउडर है, 1 चम्मच 1.5 चम्मच मिर्च पाउडर है और हल्दी पाउडर है। इन सबको मसाले को पहले तेल में थोड़ा भूनना है और जब भी थोड़ा हल्का तेल में भून जाए ना तभी हम इसमें डालेंगे। थोड़ा सा पानी देना है ताकि मसाले जले नहीं, और हाँ आँच को धीमी रखना है, धीमी आँच पे ही मसाले को हल्का भूनना है। और भूनने के बाद इसमें टमाटर डालनी है, टमाटर थोड़ा सा क्रश करके। मेरी रेसिपी को देखने के लिए थैंक यू सो मच, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिर्ची वाला नहीं है।